So hello everybody, welcome to the DARE series, Daily Anthropology Writing and Evaluation series. इसके अंदर हम real time insights देते हैं, real time evaluations करते हैं. और अगर आप भी चाहते हो कि आपको जो है वो आपके paper के अंदर real time evaluations की जाएं या फिर आपको guide किया जाए, तो आप इस number के ऊपर call कर सकते हैं या फिर आप मुझे अपनी answer sheet जो है इसी number के ऊपर जो है वो भेज सकते हैं. ठीक है, चलिए. So एक इस तरह के सवाल जो है वो पूछे जाते हैं. अब देखिए, कई बच्चे जो है वो टेस्ट सीरीज का जो है वो निकालना शुरू कर देते हैं कि टेस्ट सीरीज ने ऐसा सवाल पूछ लिया जो कि यूपीएससी 100 सालों में नहीं पूछेगा. ऐसा नहीं है, यूपीएससी भी बहुत बार इस तरह के सवाल पूछता है. ठीक है, दीज आर दी कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चंस, कॉमन सेंस क्वेश्चंस होते हैं ये. द थ्योरीज ऑफ स्टेट फॉर्मेशन, स्टेट बना कैसे, ये जनरली आप लोगों ने पढ़ रखे होते हैं, लेकिन हाउ टू पुट देम आपको नहीं इन चीजों के बारे में पता होता. ठीक है, तो आपके पास जो स्टेट है उसको इन्होंने समझा दिया कि स्टेट है. फिर उसके बाद थ्योरीज के अंदर पहली जो है वो डिवाइन थ्योरी दी, फिलोसॉफिकल थ्योरी है कि आपके पास जो है वो एक पॉलिटिकल हेड जो है वो और स्पिरिचुअल हेड जो है वो स्टेट का होना चाहिए. फिर उसके बाद जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी है जो कि हॉब्स और जॉन लॉक ये जो है वो बताते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद एंथ्रोपोलॉजिकल व्यू के नाम के ऊपर एक जो है वो थ्योरी लिखी गई और मामले को जो है वो शट डाउन कर दिया गया. ठीक है, ऑन दी अदर हैंड देर आर मेनी थ्योरीज. ठीक है, डिवाइन थ्योरी आपने लिख दी, एक फिलोसॉफिकल थ्योरी लिख दी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी लिख दी. डिवाइन थ्योरी को ड्रॉप कर दो, बहुत ही अजीब सी थ्योरी है. सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी लिख दो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बाद एवोल्यूशनरी थ्योरी लिखो. एवोल्यूशनरी थ्योरी साफ साफ बताती है कि स्टेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, कि कैसे पहले आपके पास मेटी लोकल सोसाइटीज होती थी, फिर धीरे धीरे ट्राइब्स और स्टेट जो है वो बनी है. यू हैव एल एच मॉर्गन जो कि बहुत अच्छे से समझाते हैं. फिर उसके बाद देयर इज अ मार्क्सिस्ट थ्योरी. मार्क्सिस्ट थ्योरी कहती है कि लोगों को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है, कैपिटलिस्ट लोगों ने, कुछ लोगों ने बहुत सारी जनता को, बहुत बड़ी जनता को कंट्रोल करना था, बहुत बड़े प्रोलिटेरियत को कंट्रोल करना था, तो वो जो है वो उनके लिए जो है वो स्टेट बना हुआ है. तो वो जो मार्क्सिस्ट सिस्टम है वो कहता है कि आपके पास जो है स्टेट लेस सोसाइटी जो है वो होनी चाहिए. ठीक है, देन यू हैव द पैट्रिलिनियल एंड मैट्रिलिनियल थ्योरी. कि आपके पास मैट्रिलिनियल थ्योरी कहती है कि सबसे पहले जो सोसाइटीज बनी, जो स्टेट बनी थी, वो मैट्रिलिनियल एग्जिस्टेंस के ऊपर बनी थी. पैट्रिलिनियल थ्योरी है कि आपके पास जो सबसे पहली जो स्टेट्स बनी थी वो आपके पास पैट्रिलिनियल एग्जिस्टेंस के ऊपर जो है वो बनी थी. सो दीज आर द थ्योरीज, ये आपके पास एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज हैं. अब ऐसी जो थ्योरीज हैं ये किसी किताब के अंदर नहीं मिलेंगी, रादर आपके पास ये जनरल नॉलेज वाली बातें होती हैं. सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी जनरल नॉलेज वाली थ्योरी है, ये आम जो बातें हैं उनके अंदर आती हैं. जो आपके पास एवोल्यूशनरी थ्योरी है वो हम एल एच मॉर्गन के अंदर करते ही हैं. फिर उसके बाद जो मार्क्सिस्ट थ्योरी है वो जनरली जब हम मार्क्स को डिस्कस करते हैं तो उसकी बातें की जाती हैं. कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव भी उसी के अंदर आता है. तो इस तरह से ऐसी जो सवाल हैं वो पूछे जाते हैं. ठीक है, तो अगेन यू शुड हैव अ विड्थ ऑफ नॉलेज टू जनरली टू यू नो गेट दिस क्वेश्चन राइट. ठीक है, तो अगर अगेन आप जो है वो मुझे चाहते हैं दैट कि मैं आपको जो है वो गाइड करूँ, आपकी जो है शीट्स को एवेल्युएट किया जाए, तो आप मुझे इस नंबर के ऊपर जो है वो अपनी शीट्स या फिर इस नंबर के ऊपर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, एंड आई विल बी देयर फॉर यू.